स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आईलाइट टीवी इंडिया की एक नई वीडियो में। चलिए जानते हैं आज कैसा रहेगा पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम का हाल। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर बताएं, जिससे हम आपको डेली अपडेट करा सकें। साथ ही चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बीते कुछ समय पहले लगातार बारिश हुई। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक राज्य के कई इलाकों में अब फिर लगातार भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। आईएमडी द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया है कि अगले दो तीन दिनों के बाद एक पश्चिम विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है। इस वजह से पूरे सप्ताह राज्य में बारिश के कारण ठंड पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ हवाएं चलने और बारिश के चलते हवा के प्रदूषण का असर भी इतना है कि कई जगहों पर हवा की गुणवत्ता सुधार हुआ है। खास तौर से नोएडा गाजियाबाद की अगर बात करें तो यहाँ की हवा पहले से काफी बेहतर हुई है। मौसम विभाग ने आज भी कई जगहों पर बारिश होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान से लगे हुए इलाकों में लगातार बारिश होगी। इसके अलावा पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में भी बारिश होगी। यहां गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी, लेकिन मध्य यूपी और पश्चिमी यूपी के ज्यादातर जिलों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन कई जिलों में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। लगातार कहीं छिटपुट कहीं बूंदाबांदी होने के आसार हैं। अगले तीन दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने के साथ उसमें धीरे धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट होने की संभावना है। आईएमडी द्वारा जताई गई आशंका के द्वारा लखनऊ समेत कई जिलों में बादल छाए रहने की संभावना है, लेकिन ज्यादा तेज बारिश नहीं होगी। यहाँ न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। यूपी में इन दिनों हरियाणा से सटे जिलों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के तौर पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में पूर्वी यूपी के कई जगहों पर हल्की बारिश हुई, जिसके चलते ठंडक बढ़ गई। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश वगैरह के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं बरेली में न्यूनतम पारे में खासी गिरावट दर्ज की गई है। बरेली में न्यूनतम तापमान 8.5 और नजीबाबाद में 9.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। बात करें अगर वाराणसी की तो वाराणसी में अगले 2-3 दिनों तक मौसम खराब रहेगा। यहां पूरे दिन बादल छाए रहेंगे और लगातार छिटपुट कहीं झमाझम बारिश होगी। वहीं कल तापमान में गिरावट के साथ ठंड बढ़ने की यहां भी संभावना है। वहीं आज न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इस सप्ताह के अंत तक यहां तापमान गिरकर 11 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वीडियो के आखिर में अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश समेत और किन किन राज्यों में मौसम विभाग ने भारी बारिश, तेज तूफान और बर्फबारी की आशंका जताई है, तो आपको बता दें उत्तर भारत में अब कड़ाके की सर्दी पड़ने का दौर शुरू हो गया है। पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश समेत बिहार, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत उत्तर भारत में तापमान में काफी कमी दर्ज की जाएगी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मौसम की ताजा तरीन ICE खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल LHTV इंडिया को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।